हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन। वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 10 के बारे में, जिसको एंड्रॉयड क्यू भी बोला जाता है। एंड्रॉयड सीरीज जो है वो काफ़ी स्लो है, मतलब 15% अगर हम बात करते हैं 15% ही डिवाइसेस हैं ऐसे जिसमें एंड्रॉयड पाए अभी तक ढंग से पहुँचा है। एक सिर्फ इतने सारे पूरे वर्ल्ड में 100% में सिर्फ 15% डिवाइसेस में एंड्रॉयड पाए पहुँचा, एंड्रॉयड 9 पहुँचा है। उससे पहले ही एंड्रॉयड क्यू, जो जिसको एंड्रॉयड 10 भी कहा गया है, वो लॉन्च हो चुका है, जो रिलीज़ हो चुका है। और इसकी रिलीजिंग डेट अप्रॉक्स मार्च 2019 बताई गई है, कि मार्च 2019 तक इसका बीटा वर्जन जो होता है वो आ जाएगा। और अभी जो वर्जन आया है वो एक प्री बिल्ड वर्जन है, जो एक बीटा टेस्टिंग के दौरान रिलीज़ किया जाता है, ताकि डेवलपर इसको चेक करें। अब उसमें क्या क्या नए फीचर्स निकल के आते हैं एंड्रॉयड 10 में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नीचे वीडियो के एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का बटन, प्लीज़ वो बटन क्लिक करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम एंड्रॉयड 10 के फीचर्स के बारे में। सबसे मेन फीचर इसमें जो आया है वो आया है डार्क मोड। नॉर्मल डार्क मोड नहीं, लाइक ये फीचर पुराना हो चुका है, क्योंकि कई ऐसी रूम्स हैं उसके अंदर ये फीचर्स ऑलरेडी आ चुका है। जैसे हम ऑक्सीजन ओएस की बात करते हैं, वो एंड्रॉयड जो डार्क मोड है वो पहले ही ला चुका है। लेकिन इसकी क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी खास बात यह है कि ये ऐप्स जो इनबिल्ट ऐप्स होती हैं उनको भी डार्क करने की क्षमता रखता है, उसको भी डार्क कर सकता है। ये इसकी मेन फीचर है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ट्विटर का, अगर ये ट्विटर इनबिल्ट आता है तो ट्विटर का जो होम स्क्रीन है वो भी ब्लैक होगा, डार्क होगा, अगर हम डार्क मोड इनेबल करते हैं एंड्रॉयड 10 के अंदर। ये इसका एक मेन फीचर है। दूसरा मेन फीचर इसके अंदर आया है स्क्रीन सपोर्टेबल का। स्क्रीन सपोर्टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम पर फोल्डेबल स्क्रीन जो अब ट्रेंड हो चुका है, जो CES 2019 में हमने देखा था, उस तरीके से स्क्रीन फोल्डेबल स्क्रीन जो आने वाली है उसको सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड 10। कई फीचर्स ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग होंगे, तो उसके लिए ये स्क्रीन जो कन्वर्टेबल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसका तीसरा मेन फीचर निकल के आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो हम नॉर्मली देखते हैं कि हम सिर्फ 2 ऐप खोल सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसमें से ऑलमोस्ट कई ऐप ऐसी हैं जो अभी भी इस फीचर को सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन ये एक नया मल्टीटास्किंग फीचर है। इसके अंदर हम जैसे हम कंप्यूटर्स के अंदर करते हैं, एक फाइल को दूसरे फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसी की तरह हम अब एंड्रॉयड 10 के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेन फीचर है, जो बड़े टैबलेट्स होते हैं, बड़े फ़ोन्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। साइमल्टेनियसली हम 2 स्क्रीन एक साथ चला सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसका अगला फीचर निकल के आता है, वो आता है डेस्कटॉप लाइक सेटअप। डेस्कटॉप की तरह हम इसको फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेन इंस्पिरेशन ली गई है सैमसंग डेस्क से, जिसमें एक अडैप्टर होता है, उसके अंदर फ़ोन फंसा दिया जाता है और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डेस्कटॉप उसमें मोड में चला जाता है। तो हम फ़ोन को एज अ डेस्कटॉप चला सकते हैं। एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इसमें आएगा, जो बस पीसी से कनेक्ट करना है और हम अपने डेस्कटॉप को एक खूबसूरत से मोबाइल व्यू में चला सकते हैं। तो हम अपने फ़ोन को डेस्कटॉप उसमें चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी की बात करते हैं तो प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड्रॉयड को ऐसा माना जाता है एक स्तर पे कि एंड्रॉयड की प्राइवेसी उतनी सिक्योर नहीं है एज़ कम्पेयर टू iOS। तो जो इसकी प्राइवेसी है वो बहुत काफ़ी अच्छी होने वाली है। बहुत सी चेंजेस हैं, इनबिल्ट चेंजेस बहुत आए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगी। मेन चीज़ जो प्राइवेसी के अंदर आया है, जैसे ब्लॉक नंबर होता है, उसमें हम पहले एंड्रॉयड हम जो प्रीवियस एंड्रॉयड वर्जन होते थे उसमें हम किसी नंबर को ब्लॉक करते थे तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आता था कि पर्टिकुलर नंबर ने आपको कॉल किया है। लेकिन अब जो एंड्रॉयड 10 है उसके अंदर हम उसको फुल्ली ब्लॉक्ड कर सकते हैं। तो ये एक प्राइवेसी का बहुत प्यारा अपडेट इसमें निकल के आता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर इसके अंदर आता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक पुराना फीचर है, मैं जानता हूँ, थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करके हम कर सकते थे। जैसे MIUI है, MIUI इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, बट एंड्रॉयड ने अभी तक बिल्कुल ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था जो इनबिल्ट हो। तो
MIUI की तरह एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप जो इंस्टॉल करके देगा एंड्रॉयड 10, जिसमें हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र, जैसे आपने एयर ड्रॉप देखा होगा, MI ड्रॉप देखा होगा, वो फोन्स टू फोन्स को ऐप ट्रांसफ़र कर देता है। उसी की तरह एक इनबिल्ट एंड्रॉयड ड्रॉप करके एक फीचर आने वाला है एंड्रॉयड 10 के अंदर, जिसमें हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे शेयर इट हुआ, जेंडर हुआ, ये सब इसी की तरह वो काम करेगा, लेकिन ये इनबिल्ट रहेगा तो काफ़ी अच्छा चलने की उम्मीद है इसमें। ये कुछ फीचर्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे और जो एंड्रॉयड 10 को स्पेशल बनाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एंड्रॉयड। वही बात करते हैं एंड्रॉयड क्यू के नाम की, तो बड़े वर्ड से नाम इसके निकलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अल्फ़ाबेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके नाम और वियर्ड से होते जा रहे हैं। पाए, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, पाए उसका नाम रखा गया। अब एंड्रॉयड क्यू से इसका क्या नाम हो सकता है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसका नाम क्वालिटी स्ट्रीट करके भी रह सकता है, ये क्वीन ऑफ पुडिंग करके भी इसका नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी नाम आ रहा है। तो मार्च अप्रैल इसका नाम रिलीज़ हो जाएगा, फाइनल वर्जन एंड्रॉयड का मार्च के बाद रिलीज़ होने वाला है। आई डोंट नो कितने डिवाइसेस में आएगा, लेकिन जो डिवाइसेस मेन हैं वो गूगल पिक्सल के सारे फ़ोन्स हैं और वन प्लस के फ़ोन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ये एंड्रॉयड 10 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी फ़ोन्स का मुझे नहीं पता, क्योंकि 15% ही सिर्फ फ़ोन है जिसके अंदर एंड्रॉयड 5 आया था, तो अब इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड्रॉयड 10 के बारे में। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे वीडियोज देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल techpressgadgets.com। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो प्लीज़ चेकआउट माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।